आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। हम चले थे अकेला कारवां बनता गया, यह हाल है विनोद सिन्हा का, जो पांकी के भावी प्रत्याशी है, मतलब प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। हालांकि अभी तक कोई पार्टी से इन्होंने मतलब घोषणा नहीं की है, लेकिन 25 तारीख को नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। पांकी की बात करें तो पांकी हॉट सीट होता जा रहा है पलामू का। एक तरफ पूर्व विधायक तो एक तरफ पूर्व विधायक दो दूसरे तरफ पूर्व विधायक भी हैं, वो भी मैदान में हैं, और कई और लोग दावेदारी वहाँ पर ठोक रहे हैं। लेकिन पांकी का सचमुच विकास हो पाया क्या? पांकी आज जो पांकी की स्थिति है उस पर क्या वहाँ के लोग जनप्रतिनिधि पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? पांकी की इस स्थिति पर क्या जनता किन पर भरोसा करेगी? इन तमाम चीज़ों से बात करेंगे। सबसे पहले हम विनोद सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब लगता है पांकी की जनता इस बार किस मतलब लगातार वहाँ पर हॉट सीट बनता जा रहा है, यह सीट कैसा लग रहा है? देखिए, पांकी के विभिन्न क्षेत्रों, लगभग पूरा पांकी विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया और सभी लोगों से लगभग मैं मिल चुका हूँ। सभी लोगों में बस इतना अविश्वास है सरकार के प्रति, राजनीति के प्रति, ऐसा मैंने बहुत कम जगह उनमें देखा है। और वास्तविक जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज तक वहाँ सड़कों का विकास नहीं है, खास करके स्वास्थ्य सेवा का तो स्थिति इतना जर्जर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसके लिए मैंने खुद से अपने तरफ से इनका तकलीफ दे के 3 एम्बुलेंस देने का काम किया इन लोगों के बीच में। जहाँ जहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेयजल का सुविधा, आज 2025 जहाँ जवाना चांद पे जा रहा है और यहाँ पे पीने का पानी तक मुनासिब नहीं है, तो ये बहुत ही उपेक्षा का शिकार है ये विधानसभा। और ये बहुत लोग खुद को अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। हर जगह जाएं तो उनको नेताओं से भरोसा ही उठ चुका है। वो बोलते सब नेता आते हैं, फिर वोट लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 5 साल तक कोई नहीं आते। अभी आप भी आए हैं, वोट मांगने आए। मैं सब जगह स्वराज समिति का गठन कर रहा हूँ, जिससे पंचायत के लोगों का, जो युवा लोग हैं उनको एकत्रित कर रहा हूँ। और मैं जैसा पहला दिन भी बोला था कि यहाँ से मेरा सबसे बड़ा काम होगा बेरोजगारों को रोजगार और पलायन को बंद कराना और कृषि क्षेत्र को विकसित करवाना, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आज भी लोग शोषित हैं। जो 178 रुपये में जो बीज इनको मिल सकता है वो 400 रुपये में खरीदने के लिए वो लोग मजबूर है, और जो 250 रुपये में खाद मिल सकता है वो 500 रुपये में खरीद के अगर कोई खेती करे तो उसका आप समझ सकते हैं, जो उसका लागत मूल्य पहले ही उससे खींच लिया जा रहा है, वो बेचारा क्या कमाएगा? किसान को कमाने का कहीं स्थान ही नहीं है। यहाँ इतना बड़ा जो धांधली चल रहा है, आज अबू आवास में जो स्थिति है सबके सामने है, जो भी योजना चल रहा है योजनाओं का लाभ तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ के प्रतिनिधि कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आखिर पांकी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, आप कहें कि पानी की समस्या है, बेरोजगारी के, तो जिन जनप्रतिनिधियों ने इसका नेतृत्व किया क्या उनकी वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, या उनके मतलब वो चाहे नहीं विकास करना, या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से मतलब जो है? देखिए, ये तो सबसे बड़ा चीज़ होता है, जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उनको इसलिए चुना जाता है कि क्षेत्र की समस्या को जाके जो विधानसभा के पटल पर रखे, और जो जो मंत्रालय है उनसे कंसर्निंग, उनके साथ मिलकर उनको काम कराने का आवश्यकता होता है। मैं हर जगह बोलता हूँ कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास आपके विजन का कमी है, आपके बुद्धिमत्ता का कमी है। आपको चुनना होगा कि कौन सा आदमी आपके काम के लायक है। जिसको खेती करना नहीं आता उसको अगर आप किसान बना देंगे, और जो किसान को आप इंडस्ट्रियलिस्ट बना देंगे तो होगा। जो जिसका काम है उसका काम उसके द्वारा आपको करवाना होता है, यही मैनेजमेंट है। तो जब आपको मैनेजमेंट ही नहीं आएगा तो आप सत्ता कैसे चला पाएंगे? लोगों का सेवा करना भी एक प्रबंधन का काम होता है। आप प्रबंधन ही नहीं, आपको पता है कि कैसे प्रबंधित करके लोगों को डिपार्टमेंट बांट के आप काम करा सकते हैं। अभी मैंने प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक पंचायत में मैंने घोषित किया है, प्रत्येक पंचायत से हम लोग का विधायक प्रतिनिधि होगा। अगर विधायक प्रतिनिधि बनेगा तो वहाँ का जो भी प्रॉब्लम होगा खुद ब खुद उठ के आएगा। आज विधायक प्रतिनिधि जो भी विधायक है सब अपने चापलूस लोग को ही बना के रखे रहते हैं, वो पावर कभी भी पब्लिक के बीच में नहीं डाइल्यूट करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, यही कारण है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाना। और लोगों से विधायक और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा दूरी है, जो दूरी को पाटा ही नहीं गया कभी। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि मैया सम्मान योजना लाए हैं, लोगों में एक भरोसा जगा है, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, भाजपा कहती है कि हर वर्ग का विकास हुआ है, वैसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, योजनाएँ तो काफ़ी लाया गया है,
लाने से सिर्फ योजना नहीं कार्यान्वित होता है, आपको क्रियान्वित करना पड़ता है। और जो आज के दिन में आप चले जाइए कहीं भी एक जगह आप जाओ, आज जो अबू आवास योजना में जो घोटाला है, जो जो स्थिति है आज, आज वो बहुत ही भयावह है। जिनको घर मिलना चाहिए उनको घर ही नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको दो दो घर मिल रहा है। ये क्या है? ये आप सिर्फ योजना ला रहे हो लेकिन उसका क्रियान्वयन को आप चेक नहीं कर पा रहे हो, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। इस सिस्टम को ठीक कराना, और ये सब में प्रतिनिधि का बहुत वाइटल रोल होता है। मैं सरकार और किसी के बारे में, मैं न किसी प्रतिनिधि के बारे में, प्रतिनिधि के कार्यकलाप के बारे में बोल रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोला मैंने, मैं सिर्फ अपने बारे में बोलता हूँ। विनोद सिन्हा का कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने अपना सही ढंग से काम नहीं किया। यही वजह है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। विनोद सिन्हा पर कैसे भरोसा करें? ऐसा है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं आपको अभी बताया कि मैं प्रत्येक पंचायत से प्रतिनिधि खड़ा कर रहा हूँ और उन लोग के साथ मिलकर मैं विकास कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और मैं कोई बूथ कमेटी नहीं बना रहा हूँ कि दारू मुर्गा और पैसा देके बूथ कमेटी चलाना है। मेरा पंचायत कमेटी बनेगा जो 5 साल तक रहेगा और 5 साल तक हम लोग मिल के काम करेंगे। मेरा कंसेप्ट वो वाला नहीं है कि लोग गए और बांटे और काम कराए, उसके बाद वो बूथ कमेटी कभी रहता ही नहीं है। फिर पाकी बड़ा हॉट सीट रहा है, बराबर बाहरी भीतरी की लड़ाई रहा है, तो ऐसे में आप कैसे बोलेंगे कि हम आपके हैं? चूंकि वहाँ इस बार का लोकसभा चुनाव भी बाहरी भीतरी के आधार पर सुनील सिंह का टिकट लगभग काटा गया और वहाँ कालीचरण सिंह को दिया गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बाहरी भीतरी वाला सवाल बहुत आता रहा है, पहले भी आया। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आज बनारस से लड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई है? राहुल गांधी जाके वायनाड से लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई बाध्यता है? मेरा ये नहीं कि मैं उतना बड़ा कोई फिगर हूँ, मेरा कहना ये है कि अगर मैं कार्य करना किसी भी क्षेत्र में चाहता हूँ, आज DC कहीं से पोस्टिंग होके आते हैं और आप तो नौकरी ही दे रहे हैं ना, आज उनसे तो कोई नहीं पूछने जाता कि 3 साल के लिए DC आ रहे तो आप कौन गाँव है, कौन घर है? मैं सेवा भावना से आ रहा हूँ। अगर मैं सेवा करने आपके बीच में आ रहा हूँ, मैं आपके बीच घूम रहा हूँ और आपके आपको ये कर रहा हूँ, सुनील सिंह जी का जो आपने बात बोला, सुनील सिंह भी 2 टर्म रहे यहाँ पे, सांसद रहे, अपना जो काम कर सकते काम किए। वो बाहरी भीतरी इशू नहीं था, वो इंटरनल इनकमेंसी का बात था। लेकिन बाहरी भीतरी का कोई मतलब, मैं भी हरसाइन मोड में घर बना रहा हूँ अपना, मैंने कर दिया है सारा व्यवस्था, हम लोग रहेंगे वहाँ पे काम करेंगे। बाहरी भीतरी काम करने में बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं आना चाहिए। अब बाहरी भीतरी तो लोग बोलने का तो बहुत सारा मुद्दा उठाते ही रहे। चलिए ये बताइए कि नॉमिनेशन की क्या तैयारी है? 25 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूँगा, 25 तो तैयारी कर रहा हूँ कि 25 को हम लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे और अच्छे से करेंगे। क्या लगता है विधानसभा में, मतलब अगर हम अगर मौका मिलती है, वहाँ की क्षेत्र की जनता अगर आपको बैठाती है कुर्सी पर, क्या लगता है क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्लान दूर करने के लिए यहाँ एक विशेष आर्थिक पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैं सबसे पहले डिमांड करूँगा। यहाँ पे अकाल पीड़ित क्षेत्र है और सबसे अविकसित क्षेत्र है, यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहला सहारा होना चाहिए। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया होना, इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए जहाँ पे 10-20 इंडस्ट्री लगे, जिससे यहाँ के लोगों को का प्लान रुक जाए जो बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर है। एक दूसरा, मैं कृषि क्षेत्र पे बढ़ावा, कृषि क्षेत्र पे खाली बढ़ावा, मैं खाद बीज का बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अमानत बैराज पे काम करूँगा जिससे अमानत बैराज चालू हो जाए। अमानत बैराज अगर चालू हो जाता है तो पूरा क्षेत्र का विकास बहुत आसानी से हो जाएगा। लोग जो आज एक फसल और अकाल से पीड़ित है सारे से दूर हो जाएंगे। दूसरा है कि अगर उसमें थोड़ा भी पानी अगर रुक जाता है, 5 फीट भी पानी रह जाता है, तो सारा जगह का वाटर लेयर ठीक हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर लेयर है। आज के दिन में पीने का पानी के लिए भी ग्राउंड वाटर लेयर का बहुत नुकसान के कारण पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा, सब चापानल सूख रहा है, इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कृषि क्षेत्र में ही बढ़ावा से ये क्षेत्र का बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि 90% जनता कृषि पर आधारित है और जितने लोगों ने शोषण किया है बीज का, खाद का, इन सब को हम लोग दूर हटाएंगे और एक सिस्टम दे के उन लोगों को खाद और बीज का प्रोवाइड अगर कर दिया जाए जिससे उनका लागत मूल्य कम हो, और बिक्री मूल्य बढ़ाने पे हम लोग काम करेंगे। उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करें, जैसे इथेनॉल का, ये सब का प्रोजेक्ट अगर आ जाता है एक दो, तो यहाँ पे बहुत खेती का बहुत बढ़ावा कृषि को मिल सकता है। ये क्या कहेंगे अपने विधानसभा वासियों को आप? बस एक बार मौका दें, एक मौका विनोद को, बस यही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है क्षेत्र विकास और किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और उनके सहयोग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
यह विनोद सिन्हा, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन जनप्रतिनिधियों ने यानी पिछले जनप्रतिनिधियों के कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति में कमी थी, यही वजह है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। सरकार तो आते जाते रहेगी और फंड की भी कोई कमी नहीं है, जरूरत है पहल करने की, जरूरत है उस लेवल तक सोचने की। इन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पलायन सहित सिंचाई की पूरी व्यवस्था करूंगा ताकि पाकी क्षेत्र के कोई भी किसान जो है वो भुखमरी के कगार पर न पहुंचे, वह पलायन होने पर मजबूर ना हो। इन्होंने एक मौका मांगा है क्षेत्र की जनता से और कहा है कि मैं काम कर दिखलाऊंगा, भरोसा सिर्फ बोलता नहीं हूँ बल्कि करता भी हूँ। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।